सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी सोच होती है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोग में एक जो एक पहलू जो है वो भी तद्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते तो हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं, हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं तो फिर क्या मामला है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति में आपने जितने 35 दल हैं, मैं चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, कितने आपने जाति गणना में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, कितने लोगों को आपने बनाया है? आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने परिवार के लिए चिंता की है, लेकिन जो नहीं करता वो तो सारे लोगों के लिए चिंता किया है। जो सबसे बैठे आप सोचते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का हम वोट बैंक बनाए और दलित और इसका ये वोट बैंक नहीं बनने वाला है। वो सब लोग जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, 7 वर्षों में जो काम हुआ है। आज अगर यहाँ कोई बैठा हुआ है तो बिना जाति जनगणना की अति पिछड़ा की महिला बैठी हुई है, जिसने पूरे भारत में पहला बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी, पूरे भारत के लिए आइकॉन हो गई कि पहली मुख्यमंत्री बनी है। तो इसलिए इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इशू बनना चाहिए। ठीक है, जब समय होगा तो उसको हम जनगणना करेंगे, जैसा जब समय देखा जाएगा। लेकिन हमने जब विकास की काम किया और विकास के काम में अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो क्या विकास होने वाला है? क्या चिंता करनी चाहिए? वो 34 को इनका लगता है कि हम विकास जनगणना कर रहे हैं तो हमें वोट मिलेगा। ऐसा कोई आजकल तैयार नहीं है। जो आपको अभी चाहिए जनता को विकास, और हमने जो प्रण लिया है कि हम सबका साथ सबका विकास रहेगा, उसमें हम सबसे आगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।